पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजाब में जहां 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, वहीं गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गोवा में मतदान होगा, जबकि पंजाब में 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पंजाब में 1145 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। मतदान के लिए 1,00,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो पाए। 5 राज्यों में 36 दिनों तक चलने वाले इलेक्शन की शुरुआत आज पंजाब और गोवा से हो रही है। शनिवार सुबह से पंजाब की 117 और गोवा की 40 सीटों के लिए वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 7 बजे से गोवा में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 8 बजे यानी कि अब पंजाब में भी वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 साल से सरकार चला रही अकाली, बीजेपी और विपक्ष में मौजूद कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से पंजाब में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल का लंबी में मुकाबला आखिरी बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैंडिडेट अमरिंदर सिंह के साथ होगा। अमरिंदर पटियाला से भी चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की लंबी सबसे हॉट सीट मानी जा रही बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 5 राज्यों में 36 दिनों तक चलने वाले इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आज पंजाब और गोवा में वोटिंग प्रक्रिया की जा रही है। गोवा में सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि पंजाब में 8 बजे से यानी कि मतदान प्रक्रिया वहां पर भी शुरू हो चुकी है। 117 सीटों के लिए जहां पंजाब में आज वोटिंग की जाएगी, वहीं गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स करेंगे। सिमरिया अकाली दल से मौजूदा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से मुख्यमंत्री फिर अमरिंदर सिंह मैदान में हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जरनैल सिंह दिल्ली के राजौरी गार्डन से विधायक थे, लेकिन इस्तीफा देकर लांबी से आम आदमी पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया। आपको बता दें कि पंजाब में 1,98,00,000 मतदाता हैं, जो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जबकि गोवा में मतदाताओं की संख्या तकरीबन 11,00,000 है। पंजाब में 117 सीटों पर 1,145 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 81 महिलाएं शामिल हैं और एक ट्रांसजेंडर भी चुनावी मैदान में है। इनमें 428 कैंडिडेट्स करोड़पति बताए जा रहे हैं, जबकि गोवा की बात की जाए तो 40 सीटों के लिए 250 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। इनमें 131 साउथ गोवा और 119 नॉर्थ गोवा से चुनाव लड़ेंगे। इनमें 157 कैंडिडेट्स करोड़पति बताए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि गोवा में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सीएम चुनावी मैदान में हैं। आज वोट की ताकत का इस्तेमाल मतदाताओं को करना है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है गोवा में सुबह 7 बजे से, जबकि पंजाब में 8 बजे से यानी कि अब से कुछ ही देर पहले वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है।